अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो कुछ हटकर है क्योंकि आज हम सिर्फ कुछ बनाएंगे नहीं बल्कि आपको बाहर का नज़ारा भी कराएंगे और ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब की सबसे अच्छी और मशहूर सुपरमार्केट कौन सी है और ये के यहाँ क्या क्या मिलता है और यहाँ शॉपिंग क्यों करनी चाहिए। तो चलें आज आपको लेकर चलते हैं हाइपर पांडा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि मेरी कोई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। हम पहुंच चुके हैं और अब अंदर चलते हैं। हाइपर पांडा वैसे तो साफ ही होती है लेकिन आजकल के हालात की वजह से सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ ट्रॉलियाँ रखी होती हैं लेकिन ये टाइम लॉकडाउन का है तो इसलिए सिर्फ एक ही मखसूस जगह पे ट्रॉलियाँ रखी हुई है। हाइपर पांडा में तकरीबन सभी कुछ मिलता है, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर की दीगर अशिया, और इन पर बहुत अच्छी ऑफर भी लगती है। आज भी बहुत अच्छी ऑफर लगी हुई है, चलें देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टिश्यूज पे भी बहुत अच्छी ऑफर लगी हुई है और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पर भी बहुत अच्छी ऑफर लगी है, ये हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है। देखें डेटोल के ऊपर भी कितनी अच्छी ऑफर है। पांडा में क्रॉकरी भी बहुत अच्छी मिलती है और आज तो बहुत अच्छी ऑफर है। यहाँ स्लीपर्स में भी अच्छी ऑफर लगी होती है और कपड़े जूते मुनासिब मिल जाते हैं। ये देखें जूतों की कितनी वैरायटी है और कपड़े भी तरह तरह के लगे हुए हैं। ये छोटे बच्चों का सेक्शन है, ये हेयर एंड बॉडी प्रोडक्ट्स का सेक्शन है। देखिए ये नया ब्रांड पांडा वालों ने स्टॉक किया है जो पहले नहीं था। ये ब्रांड भी यहाँ नया है और यहाँ सैनिटाइजर रखे हुए हैं जो आजकल बहुत ही जरूरी हैं। ये कैमे ब्रांड है जिसके साबुन आते हैं और आजकल बॉडी वॉश भी आ रहे हैं। ये देखें लक्स के बॉडी वॉश पे भी अच्छी ऑफर लगी हुई है। ये डव लोशन पे भी अच्छी ऑफर है, ये स्किन केयर का सेक्शन है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ। काफी नए स्किन केयर प्रोडक्ट स्टॉक किए हुए हैं जो पहले नहीं होते थे। देखिए लाइफ बॉय का हैंड वॉश ऐसे नए इकोनॉमी पैक में भी आने लगा है जो पहले नहीं आता था। यह है मसालों का सेक्शन, यहाँ तकरीबन सारे ही मसाले मिलते हैं और काफी अच्छी वैरायटी होती है। देखिए यहाँ शान और मेहरान के मसाले भी होते हैं। और ये तेल का सेक्शन, अब आए हैं हम कैन फ्रूट के सेक्शन में। अब हम आए हैं जैम के सेक्शन में, यहाँ पे भी नई चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि ये आइसिंग क्रीम जो तुर्की का ब्रांड है।
देखें डेड स्प्रेड है जो नया आया है। जो लोग जैम वगैरह नहीं खाते वो ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि खजूरों का पेस्ट होता है जो खजूरों से बना हुआ होता है। ये है ड्राई मिल्क का फ्रैक्शन। यहाँ चाय की पत्ती की भी काफी वैरायटी है। और ये जूसेस का फ्रैक्शन है। ये सन को एक ब्रांड है जो काफी चलता है यहाँ। ये विमटो है जो सऊदी अरब में काफी मशहूर है और रमजान में काफी इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी आइसक्रीम भी बनाई जाती है जो बहुत ही मजे की बनती है। ये सऊदी गावे के साशे जिससे गावा मिनटों में तैयार हो जाता है। यहाँ पेट फूड भी मिलता है लेकिन थोड़ी वैरायटी कम होती है, इसलिए हम पेट शॉप से लेते हैं। और ये यहाँ की कुछ लोकल चॉकलेट्स हैं। और ये फ्रोजन सामान का सेक्शन है। यहाँ फ्रूट और सब्जियां भी बहुत अच्छी मिलती हैं जो फ्रेश फ्रेश नजर आ रही हैं, और हम यहीं से लेके जाते हैं। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही हैं। ये काउंटर है, यहाँ पे सब्जी और फ्रूट का हिसाब होता है। देखें यहाँ ड्राई फ्रूट और नट्स भी मिलते हैं जो काफी साफ होते हैं, जिसमें मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं होती और खाने में भी बहुत मजे के होते हैं। ये डेयरी का सेक्शन है। यहाँ पे देखें तरह तरह के मिल्क चीज क्रीम और बटर वगैरह की वैरायटी होती है। हमने हिसाब वगैरह भी करा लिया और शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई, अब घर चलते हैं। यहाँ और भी अच्छी अच्छी मार्केट है, लेकिन पांडा महीने के सामान के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ सब बजट के अंदर अंदर मिल जाता है। हम घर आ गए हैं और बहुत आज गर्मी थी इसलिए तरबूज का जूस बनाते हैं। माशाल्लाह ये तरबूज देखें कितना बड़ा है, तकरीबन 15 किलो का तो है। देखें इस पे येलो कलर के निशान है, ये इंशाल्लाह ये पका हुआ मीठा होगा। चले आइए इसे काटते हैं। तरबूज देखें कितना लाल और मीठा है। हम इसे अच्छे से काटेंगे और पीसेस करेंगे। Thank you.
देखें तरबूज के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। अब हम जूस को स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह स्ट्रेन करेंगे। मैं एक पिंच पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। आप इसमें काला नमक या आम नमक भी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी काली मिर्च भी डाल रही हूँ, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं इसमें 2 से 3 चम्मच तुख मलंगे के डाल रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। घर का बना हुआ हेल्दी और फ्रेश जूस तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें
और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि मेरी कोई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और आगे आप कौन सी रेसिपी मेरी देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़।